मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, आज गाइज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। सोनू भाई का जो सिर पे जो फुंसी ऐसा कुछ हो रहा है उसको ना चेकअप करवाने हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और जा देखो कितने जने रहे हैं, 1 2 3, एक अंदर बैठी है एक वो बैठ गई, 5 जने हम हॉस्पिटल जा रहे हैं सिर्फ इसका सिर दिखवाने। सोनू भाई का आज ना बढ़िया से इलाज करवा के आएंगे। बता तेरा भी एक्सपीरियंस बता दे क्या करवाना है तकली। और मैं इससे कह रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ से इसके बाल उड़ाने पड़े दोनों तरफ, क्योंकि है ना चेकअप के लिए जहाँ तक टकला करना पड़ेगा इसे दोनों तरफ। देखो VIP बैठा गाड़ी के अंदर चश्मा लगा के, मैं VIP में, तो मैंने भी हटा है। ड्राइवर थोड़ा सही से चला, ए ड्राइवर गाड़ी हिलनी नहीं चाहिए ऐसे। गाइस सोनू भाई है ना हॉस्पिटल में अंदर चले गया और मैं मोटी और पोवी भैया अंदर है यहाँ पे कार में, और वो है ना कार की चाबी ले गया। चाबी लॉक तो हो जाएगी है ना, चाबी भी यही है, यही है चाबी यही है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। मिली, मिल गई। अब चलो। तो गाइस हॉस्पिटल में चलते हैं, हम दिखा देते हैं एक बार। और जहाँ तक है अगर मेरा भी हो जाएगा तो मैं भी दिखाऊंगा। मेरी डाड आ रही है कल डाड, तो मेरा मुंह नहीं खुल रहा आज। गाइस सोनू भाई की सोनोग्राफी हो रही है और सर्जन है ना जो ऐसे कह रहे हैं कि ना यहाँ पे वो चीरा बोलते हैं ना, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा और सिर का यहाँ पे ना चीरा लग के वो निकलेगी गांठ। तो अभी चेकअप करवा रहे हैं सोनोग्राफी। गाइस सोनू भाई का टेस्ट हुआ है, सुन्न करने वाला इंजेक्शन होता है ना एनेस्थीसिया, वो लगाया और टाइम लिखा है 1:21 PM। अगर इससे रिएक्शन होगा ना, मैं तो फट रही हूँ भाई। तेरी फटेगी अभी, तो फटी खाए अभी फटेगी। हमको लगभग 4 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक ना हमारा नंबर नहीं आ रहा जाँच के लिए। अच्छा खासा आदमी थे, हमने तो सोचे भी नहीं थे ऐसा कुछ होगा। गाइस 5 घंटे वेट के बाद ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, और ज़्यादा नहीं माइनर ऑपरेशन था, सिर्फ एक टाँका आया अभी सिर्फ। गाइस एनेस्थीसिया की वजह से अभी सोनू भाई पूरा होश में नहीं है, और ये हमने क्या है पर्सनल बुक करवा लिया है रूम एडमिट के लिए, तो यहीं पे हैं इस वक्त हम सभी। बताता हूँ गाइस सोनू भाई को होश आ चुका है ना, और ये इधर दो बैठे हैं, इधर देवेश जी सो रहे हैं और मैं भी सो रहा हूँ। TV वगैरह देखे तो बता, AC चलाऊं? देखो AC भी लगा हुआ है ऊपर। गाइस इसकी एक आंख ऐसी हो गई थोड़ी सी, खुल नहीं रही। एक बार बता दे बस, पता क्या चलती है प्लीज, तेरे को मेरी कसम है। चल के देखा। गुरु ने धोखा दे दिया। गाइस हम घर आ गए और है ना जस्ट अभी आए थोड़ी देर पहले, खाना पीना चालू कर दिया क्योंकि सुबह खाना खा के, खास करके मैं तो बिल्कुल खा के नहीं गया था, ये थोड़ा बहुत खा के गए थे। और अभी है ना खाना भी लेके जाना है सोनू भाई के लिए, उसके अलावा मैं कबूतर का अंडा भी देख लेता हूँ। अंडे को मैंने जहाँ तक देखा यूट्यूब पे, उसको शायद पलटना पड़ता है बार बार है ना, तो मैं उसको पलट देता हूँ ताकि वो चिपके नहीं उसकी शेल से। गाइस हम लोग हॉस्पिटल आए, मैं और पूजा रिजर खन्नू। इनका ऑपरेशन हुआ है, इनके ने एक और दिमाग डाल दिया छोटा सा अंदर। तो हम देखो कितने सारे लोग मिलने आए इनसे, एक मरीज है और बाकी सब मजे लेना है। गाइस टीवी में डाल रहा हूँ मैं हॉटस्टार, उसके लिए ना जीमेल बनानी पड़ रही है, तो अब जीमेल बना लेता हूँ जल्दी से, किसी को पता नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में तो देखो कितने जने बैठे हैं, जैसे तो घर में बैठे हो। गाइस देखो हिंगा फूंदा gmail.com, किसी को चाहिए हो तो ले लेना बाद में। गाइस घर से खाना लेके आए थे हम, लेकिन खाना पड़ गया कम, तो अब वापस जा रहे हैं अब खाना लेने में, और कॉफी भैया हर कोई ढाबा देखते हैं क्योंकि है ना स्विगी और जोमेटो हो चुके हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सर्विस नहीं है रात में, तो
तो अब ढाबे पे जाते हैं, वहां से खाना लेके आते हैं। गाइस पूरे ये चिल्लाने वाले गाइस पूरे एक घंटे बाद आए हम, और देखो क्या क्या लेके आए हैं भाई। लेके तो ये छाछ, छाछ की थैली लिया है। मौज तो ये है कि ना हॉस्पिटल में ऐसे खा रहे, देखो छाछ में नमक लिया है हम, नमक तो ये घर से ही उठाला है, नमक डाले खा रहे, चीनी अलग लेके आए हैं छाछ में डालने के लिए। बोतल लगाने वाली स्टॉल लिया नली की तरह। और गाइस सब्जियां आपने पहली बार नाम सुनोगे, इसका नाम है स्पेशल, ये आलू की स्पेशल है जो गंगापुर में बनती है सिर्फ, और जो गंगापुर में हाँ रियल बात है, ठंडी है जयपुर में तो वो गंगापुर वाला ही है वो, ठंडी है तो जब तो ऊपर स्पेशल, और टिक्कड़ सिर्फ गंगापुर में बनते हैं, और एक एक चीज और है खीरमोन गंगापुर के हुआ है स्पेशल चीज़।